हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग. मोस्ट वेलकम टू द रीता दास क्लासेस. आई रिक्वेस्ट ऑल द न्यू व्यूअर्स टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस. दैट इज़ द टॉपिक इज़ कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ. इन हिंदी, संविधान क्यों और कैसे. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे संविधान का अर्थ और संविधान का आवश्यकता. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संविधान क्या है. नियम और कानून की वह पुस्तक जिसकी सहायता से किसी देश में शासन चलाया जा सकता है, उसे हम संविधान कहते हैं. तो न्यायसंगत संविधान वही संविधान न्यायसंगत संविधान कहलाता है जो शांति, समृद्धि, न्याय और सुखी जीवन के आदर्शों का प्रतिपादन करता हो. प्रभावी संविधान. संविधान के प्रभावी होने की कसौटी यह है कि वह केवल कागजों पर मौजूद न हो, बल्कि शासकों द्वारा उन्हें जमीनी स्तर पर साकार करे और संविधान की रूपरेखा अनुसार ही काम करे. तो ऐसे ही इस प्रकार के संविधान को हम कह सकते हैं कि प्रभावी संविधान हो. और ये संविधान उस राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है. संविधान किसी राज्य की सरकार के तीनों प्रमुख अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है. संविधान सरकार के तीनों अंगों के शक्तियों की व्याख्या करता है तथा साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमा तय करता है. संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों तथा उनका जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है. संविधान जनता के विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है तथा अराजकता को रोकता है. तो संविधान की आवश्यकता क्यों है. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. समाज विभिन्न प्रकार के समुदाय से बनता है. इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान की आवश्यकता बहुत है. संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है. अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, संविधान ही तय करता है. संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उसकी शक्तियों एवं सीमाओं का तय करता है. एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान की आवश्यकता होती है. संविधान समाज का एक आईना होता है और यह समाज के बुनियादी लक्ष्यों और आदर्शों को दर्शाता है. संविधान नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है और उन्हें मान्यता प्रदान करता है. तो संविधान की आवश्यकता क्यों है, इसमें बताया गया है. अब है संविधान की कार्य. संविधान का पहला कर्तव्य है या काम है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध करवाए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे. संविधान का दूसरा कार्य है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी. संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी. संविधान का तीसरा काम है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएँ लगाएँ. ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती. संविधान प्रभावी होने का कारण. संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका. इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया और उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी. अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती. विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं. तो दूसरा है संविधान का मौलिक प्रावधान. एक सफल संविधान की ये विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों को आदर करने का कोई कारण अवश्य देता हो.
कोई भी समाज संविधान का तब तक आदर नहीं करेगा जब तक उसको संविधान से सुरक्षा न की गई हो अथवा वह समाज के सभी वर्गों के साथ लेकर चलता है। और ये भी बताया गया है कि न्याय के आदर्शों के रूप में स्थापना करता हो। तो तीसरा है संस्थाओं को संतुलित रूपरेखा। संविधान को जनता नहीं प्राय एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है क्योंकि वह अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। ढंग से बनाए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट न कर सके। संविधान की रूपरेखा बनाने की कारगर विधि यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था के सारी शक्तियों पर एकाधिकार न हो। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाना चाहिए। नहीं तो अगर किसी एक संस्था पर अगर शक्ति पूरा रहती है तो कहीं अराजकता फैल सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत भेजा गया था जिसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। हालांकि इन मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हें फुसलाना था। सर क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे तथा उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन किया था। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु अधिकृत किया गया था। उसके बाद ये कहा गया कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई तब भारतीय संविधान सभा बनाने का मार्ग खुला। वाइस रॉय लॉर्ड के ने इसकी पुष्टि की। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई जिसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से और 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांत से जैसे दिल्ली अजमेर मारवाड़ कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों के लिए जाने थे। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिए गए जैसे 10 लाख जनता के ऊपर एक स्थान दिया गया। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय जैसे मुसलमान सिख एवं सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य संख्या 299 रह गई। संविधान सभा का स्वरूप। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। तो यहाँ अध्यक्ष अस्थाई अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इसमें भारत के भावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई जिसमें 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थी। इस समय अनुसूचियाँ 8 से बढ़कर 12 हो गई है। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा तथा कुल 166 इसके साथ बैठक हुई संविधान बनाने के लिए। 26 नवंबर 1945
49 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया। तो संविधान का स्वरूप भी पता चल गया हम लोग को। अब है भारतीय संविधान के स्रोत। संविधान का लगभग 75% अंश भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट से 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया और अन्य देशों की संविधानिक प्रणाली। ब्रिटिश संविधान, सार्वजनिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी कानून निर्माण की विधि। अमेरिका का संविधान, मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनर्वलोकन और शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आयरलैंड की संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फ्रांस के संविधान, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। तो ये जो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ, तो ये सभी देशों के संविधान का स्रोत आया। संविधान सभा का स्वरूप, संविधान सभा का विधिवत रूप से हम लोग 1946 प्रातः 11 बजे हुआ था, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये 50 को इसको विधिवत रूप से लागू कर दिया गया। अब भारतीय संविधान सभा के गठन में 4 कमियां। प्रभु सत्ता की कमी पाई गई। दूसरा, प्रांतों की अनुचित वर्गीकरण हुआ। तीसरा, देसी रियासतों को संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया। और चौथा, संविधान सभा के सदस्यों का चयन और लोकतांत्रिक तरीके से किया गया। और नेपाल में संविधान निर्माण का विवाद। 1948 के बाद से नेपाल में 5 संविधान बन चुके हैं। 1948 में, 51 में, 59 में, 62 में और 1990 में और 2006 के बाद बने संविधान पर विरोध जारी है। वर्तमान में मधेशी आंदोलन के इस विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अधिकांश जनता संविधान में संशोधन चाहती है। एक सफल संविधान के मौलिक प्रावधान, प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने के कारण अवश्य होना चाहिए। बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, समान सुविधाएं उपलब्ध करवाना, छोटे सामाजिक समूहों की शक्ति को मजबूत करना और सभी को स्वतंत्रता का रक्षा करना, समाज में सभी की स्वतंत्रता की रक्षा करना, ये सफल और मौलिक प्रावधान होती है। भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीलापन है। कठोर इसलिए है कि 368 के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का समर्थन आवश्यक है। विशेष बहुमत की आवश्यकता है। और लचीलापन इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत से संशोधन प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत के पास बहुमत से पास करके संशोधित कर दिया जाता है। तो ये संविधान को बताया गया है। अब है एक सफल संविधान की पहचान। ये एक वैध लोगों के द्वारा बनाया गया होता है। दूसरा, समाज के सभी वर्गों को संविधान द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। तीसरा, शक्तियों का बंटवारा उचित और संतुलित तरीके से किया जाता है। चौथा, संविधान सभी वर्गों के लिए न्याय का आदर्श रूप स्थापित करता है। और पांचवा है, संविधान के सभी प्रावधानों पर आम सहमति होनी चाहिए। और छठा है, जिसके प्रावधानों में समय के अनुसार परिवर्तन की संभावना भी होती है। सफल संविधान जनता के प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने वाला हो और संतुलित हो। तो अंत में, संविधान देश को चलाने के लिए संविधान की अत्यंत आवश्यक है। तो संविधान ऐसा हो जो देश के सभी वर्गों के लोगों के सुरक्षा कर सके, उनके भलाई के कार्य कर सके, तो संविधान सफल हो सकता है। धन्यवाद।